फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय हीरोज हेल्थ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पथरी की समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। वैसे तो अधिकतर लोगों में ये पथरी की समस्या पाई जाती है और इसका मुख्य कारण है पानी का कम पीना। यदि हम शुरुआती दौर से ही पानी पीने पर ध्यान दें तो ये समस्या हमें नहीं होगी। मैं प्रवीण गरेवाल आज आपके सामने कुछ ऐसे नुस्खे लेकर आया हूँ जिनका प्रयोग करके आप अपनी पथरी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और उसी के साथ यदि आप इन नुस्खों का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ आप खट्टी व तली हुई चीजों का प्रयोग कम से कम करें और चूने से बनी हुई चीजों का प्रयोग ना करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब बात करते हैं इन नुस्खों के बारे में कि ये कौन से नुस्खे हैं और इन नुस्खों का प्रयोग कैसे करना है। यदि आप पथरी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को जरूर करें। इस नुस्खे को करने के लिए आप सबसे पहले मक्की की डाढ़ी, यानी कि हम जो मार्केट से मक्का लेते हैं उस पर जो रुए होते हैं उसे हम मक्की की डाढ़ी कहते हैं, उसे लें और पानी में डालकर उस पानी को उबालें। दिन में 3-4 बार इस पानी का सेवन करें। 1-1.5 महीने में आपकी पथरी गल कर बाहर आ जाएगी और आप इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। और उसके बाद जितना हो सके पानी पीने पर ज्यादा ध्यान दें ताकि आगे चलकर ये समस्या दोबारा ना हो। पथरी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इस नुस्खे का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस नुस्खे को करने के लिए आप सबसे पहले महानीम, जिसे हम बकायन या फिर देसी भाषा में बकान के नाम से भी जानते हैं, ये दिखने में तो नीम की तरह होता है लेकिन वास्तव में ये नीम से अलग होता है। आप सबसे पहले इसके ताजा पत्ते लें। अब इन पत्तों का रस निकाल लें और इस रस में जोखार मिलाएं। उसके बाद दिन में 1-1 चम्मच करके दिन में 3 बार इसका सेवन करें। लगातार इसका सेवन करने से आप अपनी पथरी की समस्या से निजात पाएंगे। पथरी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपमार्ग आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपमार्ग, जिसे हम लटजीरा के नाम से भी जानते हैं, ये लटजीरा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब इस लटजीरा को छांव में सूखने के लिए रखें। जब यह सूख कर कड़क हो जाए तो इसे पीस कर इसका चूर्ण तैयार करें और इस चूर्ण का सेवन आप दिन में 1-2 बार पानी के साथ आवश्यकता के अनुसार करें। ऐसा करने से आपकी पथरी कम होगी और आपके शरीर पर जो विष प्रभाव है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यदि आप गुर्दे और मूत्राशय में पथरी की समस्या से परेशान हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये नुस्खा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस नुस्खे को करने के लिए आप सबसे पहले नीम पत्ती की भस्म तैयार करें। अब इस भस्म की 5-6 ग्राम की मात्रा लें और रोजाना ताजा पानी के साथ इस चूर्ण का सेवन करें। लगातार इसका सेवन करने से आपको फायदा होगा और आपकी गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कट कट कर बाहर निकल जाएगी। नीम पत्ती की भस्म तैयार करने के लिए आप सबसे पहले नीम के पत्ते लें। अब इन्हें छांव में सुखाने के लिए रखें। जब यह सूख जाए तो इन्हें किसी बर्तन में डालकर जलाएं। जब यह जल जाए तो उसके तुरंत बाद इसे किसी कपड़े से बांध दें ताकि इसकी गैस बाहर ना निकले। उसके बाद इसे 3-4 घंटे ऐसे ही रखा रहने दें। 3-4 घंटों बाद इसकी राख बन जाएगी। आप उस राख का प्रयोग करें। उस राख का सेवन आप पानी के साथ करें। ऐसा करने से आपकी गुर्दे और मूत्राशय की पथरी कट कर बाहर निकल जाएगी। पथरी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करें। ये नुस्खा बिल्कुल साधारण सा है। इस नुस्खे को करने के लिए आप सबसे पहले आम के पत्तों को छांव में सुखाएं। जब यह सूख जाए तो इन पत्तों को पीस कर इसका चूर्ण तैयार करें। अब इस चूर्ण का सेवन आप रोजाना सुबह के समय खाली पेट बासी पानी के साथ इसका सेवन करें। इसका सेवन आप लगातार करोगे तो आपको फायदा होगा और आप अपनी पथरी की समस्या से छुटकारा पाओगे। यदि आप गुर्दे और मूत्राशय में पथरी की समस्या के कारण परेशान हैं या फिर पथरी के कारण आपके गुर्दे और मूत्राशय में दर्द की शिकायत है तो आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये नुस्खा जरूर आजमाएं। इस नुस्खे को करने के लिए आप सबसे पहले 50 ग्राम नीम पात, यानी कि नीम के पत्ते लें। अब इन नीम के पत्तों को 2 लीटर पानी में डालकर उबलने के लिए रख दें।
जब इस पानी का चौथाई भाग जल जाए तो इस पानी को नीचे उतार लें और उसके बाद आप नंग होकर किसी चेयर या फिर टेबल पर बैठ जाएं और उसके बाद नीम के पत्ते डाले हैं और जो पानी से भाप निकल रही है उस भाप का सेक करें। ऐसा करने से आपके गुर्दे और मूत्राशय में जो पथरी है और उसके कारण आपको जो दर्द की शिकायत है उसमें राहत महसूस होगी। दोस्तों अब आपके लिए पथरी नाशक छोटा सा उपाय, क्योंकि वो कहते हैं ना कभी कभार एक रात की चुटकी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए आप अपने राइट हैंड की बीच वाली उंगली में कोई भी लोहे की अंगूठी या फिर लोहे का छल्ला या फिर आप घोड़े की नाल से जो अंगूठी बनती है उसे पहने। ऐसा करने से आपको फायदा होगा और आपकी पथरी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी।